नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी के लच्छेदार पकौड़े। कैबेज के लच्छे पकौड़े बनाने के लिए हमने अभी एक कैबेज ले लिया है। इसको पतले पतले लच्छों में काट लेना है हमें। अभी एक बाउल में कैबेज के लच्छों को डाल देते हैं। पहले से काटी हुई प्याज को अभी इसके अंदर डाल देते हैं और सभी को इस तरह से एक बार मसल के मिक्स कर लेते हैं। अभी पहले से चॉप किया हुआ 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून धनिया के पत्ता डाल देंगे और साथ में 2 हरे मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च के पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और अजवाइन डाल देंगे। अभी नमक डालना है, अब थोड़ा सा शुगर डालना है, अभी हल्दी डाल देंगे। इसमें 2 कप बेसन ऐड करना है और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। अभी मैदा ऐड कर देंगे 2 कप जैसा। अब सभी को अच्छे से मिला लेंगे एक साथ मसल के। अब धीरे धीरे देखेंगे आपके इसे पानी छोड़ना शुरू कर देगा। अभी देखो, अभी ऐसा हो जाएगा ना करते करते, तो उस टाइम पे ये रेडी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा इसमें हम बेकिंग सोडा डाल देंगे। अब गैस को ऑन कर लिया। अब कढ़ाई को अच्छे से गरम कर लेंगे, फिर उसमें ऑयल डाल लेंगे। फिर जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें पकौड़े को हम छोड़ना शुरू करेंगे। अभी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। अभी इसको हम उलट पलट के अच्छे से गोल्डन कलर कर लेंगे, फिर इसको छन्नी से निकाल लेंगे। देखो हमारा कितना अच्छे से क्रिस्पी पकौड़ा बन के तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसको टोमेटो सॉस या चाय के साथ ले सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर करना ना भूलें।